और दावा ये कि आंख तक ये कीड़ा पत्ता गोभी खाने के बाद पहुंचा है। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। पत्ता गोभी खाने से दिमाग में घुस जाते हैं कीड़े। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, पत्ता गोभी खाने से दिमाग में कीड़े घुस जाते हैं। दोस्तों हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएं, उससे पहले जरा ये देखिए, पत्ता गोभी में इतना बड़ा कीड़ा जीवित है अभी, है जो आप देख रहे हैं, काफी बड़ा है, किसी की भी जान ले सकता है। कैसे इतना बड़ा कीड़ा और किसी चीज में नहीं बल्कि पत्ता गोभी के अंदर मौजूद है, जिसे न केवल हम सब्जी के और सलाद के तौर पर खाते हैं बल्कि इसका इस्तेमाल चाउमीन, बर्गर जैसी चीजों में भी भरपूर किया जाता है। और ये तो केवल नमूना है, इसके अंदर पाया जाने वाला कीड़ा केवल दिखने में खतरनाक नहीं है बल्कि ये आपकी जान तक ले सकता है, जो सीधा आपके दिमाग में घुसेगा और मौत का कारण बनेगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों पत्ता गोभी को इतना खतरनाक बताया जा रहा है, इसके अंदर मौजूद कीड़ा हमारे साथ क्या करता है, हम कैसे इससे बच सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको यही तो बताने आया हूँ। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आप फास्ट फूड के शौकीन हैं तो आप पत्ता गोभी जरूर खाते होंगे, भले ही सलाद में आपको ये ना पसंद हो लेकिन फास्ट फूड के साथ तो हर कोई इसे हजम कर जाता है। अब आप जरा समझ जाइए, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले की बात है जब एक डॉक्टर साहब ने एक्स, जिसे हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, उस पर एक ट्वीट किया और ये बताया कि कैसे पत्ता गोभी के पत्तों में मौजूद कीड़े पहले हमारे पेट के जरिए शरीर में घुसते हैं और फिर हमारे दिमाग में जाकर मिर्गी जैसे खतरनाक बीमारी का कारण बनते हैं। और इतना ही नहीं, डॉक्टर विजयनाथ मिश्रा नाम के जिस डॉक्टर ने ट्वीट किया था, उन्होंने साथ में एक वीडियो भी अटैच की और ये भी बताया कि पीजीआई चंडीगढ़ के न्यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर मनीष मोदी ने पंजाब और चंडीगढ़ के कई हिस्सों से पत्ता गोभी को काटकर पत्तों पर मौजूद इन कीड़ों के अंडों को जब लैब में टेस्ट किया तो नतीजा बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाला था, जिससे पता चलता है कि किस तरह कीड़े हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। जहां पहले ये कीड़े हमारे पेट के जरिए शरीर में जाते हैं, फिर शरीर से दिमाग में जाते हैं और दिमाग में पहुंचकर ये कीड़े गांठ बना देते हैं और फिर उस गांठ के आसपास सूजन आ जाती है, जिस वजह से कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। खास तौर पर तो इस कीड़े की वजह से न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस नाम की बीमारी होती है और इस बीमारी का सबसे बड़ा सिम्टम होता है सीजर्स, या फिर कह लीजिए मिर्गी के दौरे। ये लक्षण 70% मरीजों में पाए जाते हैं। इसके अलावा मरीज को सर में दर्द भी हो सकता है या फिर दिमाग के जिस हिस्से में कीड़ा है उस हिस्से में दिक्कत हो सकती है। वैसे दोस्तों सब्जियां वगैरह तो हम जो खाते हैं उसमें से अगर कोई कीड़ा हमारे पेट तक पहुंचता है तो ज्यादातर कीड़े पेट में रहकर नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ पेट में जाकर मर जाते हैं। लेकिन ये जो कीड़ा पत्ता गोभी और फूल गोभी जैसी सब्जियों में पाया जाता है वो पेट से खून में पहुंचता है और फिर खून के जरिए दिमाग में पहुंचता है, दिमाग में जाकर अपनी जनसंख्या बढ़ाने लगता है और तब जाकर परेशानी शुरू हो जाती है। और आमतौर पर जब आप पत्ता गोभी या गोभी वगैरह में इस कीड़े को देखेंगे तो वो सफेद दिखाई देगा क्योंकि वो अंडों के रूप में होता है, लेकिन जैसे वो हमारे शरीर में जाता है एक पूरा कीड़ा बन जाता है। वैसे दोस्तों ये कीड़ा केवल दिमाग पर जाकर ही असर नहीं डालता बल्कि ये दिमाग से जुड़ी रीढ़ की हड्डी, आंखों, मसल्स में भी जाकर नुकसान पहुंचाता है। इसलिए अगर आपको शरीर में किसी भी तरह की परेशानी लंबे समय से है तो आप डॉक्टर के पास जाएं, वो प्रॉपर चेकअप करेंगे और तब जाकर पता लगेगा कि आपके शरीर में कीड़ा है या नहीं, क्योंकि आजकल ये कीड़ा ज्यादातर लोगों के शरीर में जाकर दिमाग पर असर कर रहा है, इसलिए ध्यान देना बहुत जरूरी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, क्योंकि कीड़ा शरीर में पहुंच जाता है तो डॉक्टर पहले ये जानने की कोशिश करते हैं
कि कीड़ा किस हद तक शरीर में नुकसान पहुंचा चुका है। अगर कीड़े का असर बॉडी में कम है तो कीड़े मारने की नॉर्मल दवा दे दी जाती है तो थोड़े समय तक ट्रीटमेंट चलता है जिसके बाद मरीज ठीक हो जाता है। लेकिन अगर कीड़ा दिमाग में पहुंच जाता है और वो कई सारे कीड़ों को पैदा कर देता है तो समस्या हो जाती है। यहाँ पर केवल कीड़े मारने की दवा से काम नहीं चलता बल्कि डॉक्टर और भी तरह के प्रोसीजर करके मरीज के शरीर से कीड़ा निकालने की कोशिश करते हैं। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि ये कीड़े किसी के शरीर में भी पहुंच सकते हैं। हमारे भारत और दक्षिण अमेरिका समेत कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर खान पान की चीजों में साफ सफाई नहीं होती और इस तरह के इलाकों में कीड़े ज्यादातर लोगों को असर डालते हैं। इसलिए बात बहुत जरूरी है कि खाने से पहले या फिर खाना पकाने से पहले हम अपना हाथ अच्छी तरह से धो लें। दोस्तों, पत्ता गोभी और गोभी जैसी सब्जियों को घर पर लाने से पहले उसे अच्छी तरह से चेक कर लें कि कहीं कोई खराबी तो नहीं। घर पर लाने के बाद उसे काट कर देखें कहीं कोई कीड़ा तो नहीं। और जब सब कुछ सही दिखे उसके बाद भी आपको इन सब्जियों को अच्छी तरह से धोना है फिर उन्हें पकाना है क्योंकि कीड़े कहीं पर भी छुपे हो सकते हैं जो आपके लिए ज्यादा नुकसानदायक साबित हो जाएंगे। ऐसे में सावधानी रखना बहुत जरूरी है। और इतना ही नहीं, जो लोग बाहर खाने पीने के शौकीन हैं जैसे कि बर्गर चाउमीन खा लिया या फिर सबवे में जाकर खा लिया, इन जगहों पर ज्यादातर पत्ता गोभी का इस्तेमाल होता है। और आपको पता नहीं है जिसने खाना बनाया है उसने पत्ता गोभी को धोकर इस्तेमाल किया या फिर बिना धुले ऐसे ही कच्चा इस्तेमाल कर लिया। इसलिए संभल कर रहना बहुत जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे कि आप बाहर खाना ही छोड़ दो, लेकिन जब कभी भी बाहर जाएं तो सोच समझ कर क्योंकि आगे चलकर ये चीज दिक्कत दे सकती है। और अगर आपको पहले से न्यूरोसिस्टिसरकोसिस हो चुकी है तो यहाँ पर बाहर खाने से बचें और कच्ची सब्जी और सलाद को बिल्कुल ना खाएं क्योंकि इस तरह की चीजें आपको और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है और आपकी बीमारी को बढ़ा सकती है। और वैसे भी दोस्तों, इंसान को हमेशा फल और सब्जियां धोकर ही खानी चाहिए। सब्जियों को आप अगर थोड़ा सा पका लेंगे तो ज्यादा फायदा करेंगे, फिर चाहे वो पत्ता गोभी हो या और कोई सब्जी हो। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो में आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। बाकी आपके वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइए ना। और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।